अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफा, जुलेखास किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजे में हूँ। अच्छा, आज मैंने क्या बनाया है, आज मैं बना रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, बढ़िया सी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और जो घर के मसाले होते हैं उसकी तो बात ही कुछ और होती है, वो आप भी मानते हो, राइट। तो क्या कीजिए, बना के ये देखिए, दो बैच, वो जो मैंने आज मेजरमेंट बताए वो मेजरमेंट से ये दो छोटी छोटी, जैसे आप देख सकते हैं, कांच की शीशियां निकली हैं। ये मसाला है बिरयानी का, घर पे बनाए, बिरयानी में डालें और मजेदार से बिरयानी खाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मसाला आज का। तो चलिए, तो चलिए ये सारे क्या है मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, कितने मेजरमेंट लिए हैं मैंने। ये है साबुत धनिया, आप देख सकते हैं 3 टेबलस्पून है ये। ये 3 टेबलस्पून जीरा है साबुत, वाइट जीरा कहते हैं, शाह जीरा नहीं है ये। ये 1 टेबलस्पून सौंफ है। ये 2 टेबलस्पून काली मिर्च है साबुत। ये 1 टेबलस्पून लौंग है। यहां पर मैंने 4 डंडी दालचीनी के लिए, बड़े बड़े टुकड़े हैं जैसे आप देख सकते हैं, पूरे पूरे हैं साबुत। अच्छा, अगर आपको इन्हें टेबलस्पून में डालना है तो आप इन्हें समझिए ना 3 टेबलस्पून जितने लीजिएगा। ये है 3 पीस जावित्री के, जिसे हम मेज भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये है 8 पीस, मैं तो इसे स्टार एनस कहती हूँ, कुछ इसे बादियान भी कहते हैं, कुछ इसे चक्र फूल भी कहते हैं। तो ये 8 पीस है। और ये जैसे आप देख सकते हैं हरी इलायची है 2 टेबलस्पून। ये 1 पीस जायफल का है, एक ही पूरा पीस है जैसे आप देख सकते हैं। ये तकरीबन 5-6 तेजपत्ता है, बे लीफ। और ये है काली इलायची, जिसे हम बड़ी इलायची भी कहते हैं, तकरीबन समझिए ना ये कितने पीसेस होंगे मालूम है, 10 से 12 पीसेस हैं ये। अब ये सारी चीजों को एक एक करके फ्राई पैन के अंदर डालते जाएं। मैंने फ्राई पैन का चूल्हा चालू नहीं किया है अभी फिलहाल। अच्छा, जावित्री ना मैं इस तरीके से थोड़ा सा हल्का कूट लिया मैंने, और ये जो बादियान थी उसे भी हल्का सा मैंने पीसेस कर लिया। जायफल को भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा पीसेस कर लिया। और इसके साथ साथ ना ये जो तेज पत्ते थे इनको भी मैंने थोड़े से टुकड़े कर दिए हैं। और जैसे ये हैं दालचीनी, इनके भी आप देख सकते हैं 4 डंडियां थी, इसके भी आप देख सकते हैं 3 टेबलस्पून बराबर निकले ना, तो इसके भी मैंने पीसेस कर दिए हैं। अब इसका चूल्हा चालू कर दीजिए और मीडियम आंच कर दीजिए, और तकरीबन 2-3 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर बार बार चलाते हुए भूने। मैंने थोड़ा स्लो कर दिया है बीच में, और इसे बार बार चलाते हुए हमारा भुनने का मकसद ये है कि इनमें से जो भी मॉइस्चर है वो सारा निकल जाए। तो क्या होगा, इससे शेल्फ लाइफ है ये मसाले की बढ़ जाती है। आप तकरीबन इसे 5 से 6 महीने तक इसे रखकर यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे मैंने 3 मिनट का टाइमर लगा के रखा है, तो बार बार बीच बीच में मैं मीडियम कर रही हूँ, फिर स्लो कर देती हूँ आँच को, सो दैट नीचे लगे ना। जब 3 मिनट हो जाए भून कर, तो चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे एकदम कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। उसके लिए आप उसी समय तुरंत प्लेट में निकाल लीजिए, हाँ, नहीं तो पैन में रखेंगे तो वो पैन का प्रोसीजर ये रहेगा कि वो गर्म रहेगा तो पकता रहेगा। जब ठंडा हो जाए ये गर्म मसाले हमारे सारे, तो एक मिक्सर जार के अंदर डालकर इसे बहुत अच्छा, बिना पानी डाले, बहुत अच्छा बारीक पीस लीजिए ऐसे। जब आप पीस लें ये देखिए इस कदर, तो अब हमें और मसाले थोड़े ऐड करने हैं इसमें। अब यहाँ मैं डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून तीखा वाला लाल मिर्चों का पाउडर, और ये है 3 टेबलस्पून नॉन स्पाइसी यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ साथ 1 टेबलस्पून हल्दी भी डालकर इसे भी बहुत अच्छे से कुछ सेकंड्स के लिए पीस लीजिए। अब यहाँ आपने देखा कि मैंने मिर्चें नॉन स्पाइसी वाला 3 डाला है टेबलस्पून, और स्पाइसी वाला 1 टेबलस्पून डाला है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड हो सकता है। आप चाहें तो 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालें और बाकी के 3 आप स्पाइसी वाले डाल दें, बट मैं ज़्यादा स्पाइसी हम घर में खाते नहीं हैं, इसके लिए मैंने ये रेशियो रखा है। लेकिन रेशियो आप मिर्चों के पाउडर का अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब आप इसे निकाल लीजिए एक शीशी के अंदर और एयरटाइट कंटेनर के अंदर, और क्या बढ़िया सा दिख रहा, कलर भी कितना मस्त आया आप देख सकते हैं। तो इसे एयरटाइट कंटेनर के अंदर निकाल कर आप तकरीबन समझिए ना 5-6 महीने तक इसे रखकर यूटिलाइज कर सकते हैं। बिरयानी में डालें मजे से और बढ़िया से एंजॉय करें बिरयानी को।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप बनाएं मसाले के साथ बिरयानी भी बनाएं ये वाले मसाले के साथ, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।